Let's do remaining short answer type questions of the chapter. We are not afraid to die if we can all be together. First question is, what happened to the pumps? तो पंप जो थे पानी बाहर निकालने के लिए, उनके साथ क्या हुआ? The pumps did not work properly. पंप है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे थे. They jammed due to debris of the ship. ये जो पंप है वो जहाज के अंदर जो मलबा था उसके कारण क्या है, जाम हो गए थे. जैम का मतलब जाम हो जाना, चौक जाना. डेब्रिस होता है मलबा. टू स्पेयर पंप्स वर शॉर्ट सर्किटेड. दो उन्होंने फालतू, स्पेयर का मतलब होता है फालतू, फालतू पंप रखे हुए थे, एक्स्ट्रा पंप रखे हुए थे, वो भी पानी में भीग गए थे. बट द नरेटर रिमेम्बर्ड दैट ही हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप. लेकिन नरेटर को ये बात याद आई, रिमेम्बर मैंने याद आना कि उसका एक और भी दूसरा बिजली से चलने वाला पंप है. एंड लकली इट आ रहा है पंप के लिए, तो ये बड़ा ही भाग्यशाली उनके लिए था कि ये पंप है वो काम करता है, वर्क प्रॉपरली, इसने अच्छी तरह से काम किया. व्हाट हैपेंड ऑन जनवरी 4th, 4th जनवरी को क्या हुआ? ऑन 4th जनवरी द नरेटर्स फैमिली रीच द लास्ट सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन द शिप. 4 जनवरी को नरेटर और उसके फैमिली मेंबर है वो पानी जो शिप के अंदर जमा हो गया था उसका मतलब उसको निकालने के अंदर वो कामयाब हो गए थे. वो आखिरी सेंटीमीटर पानी भी बाहर निकालने में कामयाब हो गए थे. नाउ दे हैड टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल टू कम इन द वे वॉकर. अब उनको उस पानी को बाहर निकालना था जहाज से जो अभी पानी आने जो पानी आए जा रहा था. ऑन दिस डे दे टुक फूड फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, इस दिन उन्होंने पहली बार खाना खाया. आफ्टर 36 आवर्स, 36 घंटे के बाद पहली बार खाना खा करके देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द नरेटर एंड हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन बिहेव व्हेन दे वर फेस टू फेस विद डेथ. फेस टू फेस का मतलब होता है सामना करना सीधे. डेथ जब उनका सामना मौत से हो रहा था तो नरेटर और उसके फैमिली मेंबर्स ने, उसके बच्चों ने, उसकी पत्नी ने किस प्रकार का व्यवहार किया. बिहेव क्या होता है, व्यवहार करना, और बिहेवियर होता है व्यवहार. बाय द डॉन ऑफ जनवरी 5th, 5 जनवरी की सुबह सुबह, डॉन होता है सुबह सुबह, बिल्कुल प्रभात जब होती है. द नरेटर वेंट टू द चिल्ड्रंस कैबिन टू कंफर्ट हिज फैमिली मेंबर. नरेटर बच्चों के कैबिन तक जाता है उनको कंफर्ट करने के लिए. देन हिज सन आस्क्ड इफ दे वर रियली गोइंग टू डाई. उस वक्त उसके बेटे ने कहा कि क्या वो वास्तव में ही मरने को जा रहे हैं. बट लेटर ही सेड टू हिज फादर, लेकिन बाद में बच्चे ने अपने फादर को कहा. वाइल होल्डिंग हैंड्स विद हिज फैमिली मेंबर्स, उसने अपने परिवार वालों का हाथ होल्ड करके, होल्ड करना होता है पकड़ करके, हाथों में हाथ डाल करके उसने बोला, दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ दे कैन बी ऑल टूगेदर. उनको मौत से भी कोई डर नहीं है अगर वो इकट्ठे हैं. लास्ट क्वेश्चन है, वट हैप्पी न्यूज डिड द नरेटर गिव दैम वैन देवर नॉट सेफ. कहता है कौन सी खुशी का समाचार नरेटर के बेटे ने दिया. ठीक है, नरेटर के बेटे ने दिया जब वो सुरक्षित नहीं थे. ठीक है, यहां पर नरेटर गिव, नरेटर्स सन करना पड़ेगा हमें. कौन सा न्यूज है वो नरेटर के बेटे ने दिया जब वो लोग हैं वो मतलब मौत का सामना है वो कर रहे थे. नरेटर्स सन जोनाथन, नरेटर के बेटे का नाम था जोनाथन. जोनाथन केम टू हिज फादर, वो अपने बेटे के पास आता है एंड टोल्ड हिम दैट ही वॉज रियली ए गुड कैप्टन इन डेड. और उसने अपने बेटे को बताया कि उसने अपने पिता को बताया कि वो बहुत ही अच्छा कैप्टन है. कैप्टन का मतलब होता है जहाज को चलाने वाला, जहाज का नाविक. बट हिज फादर रिप्लाइड दैट नॉट एट दिस टाइम. लेकिन उसके बेटे ने, उसके फादर ने, उसके पिता ने अपने बेटे को कहा कि इस समय तो वो अच्छा कैप्टन नहीं है क्योंकि उनका जहाज है वो एक तरह से समुद्र के अंदर लापता है. देन हिज सन रिप्लाइड दैट दे हैव फाउंड द आइलैंड दे वर लुकिंग फॉर. फिर उसके बेटे ने आगे से कहा कि जिस आइलैंड को, जिस टापू को वो ढूंढ रहे थे वो उनको मिल चुका है.
द नरेटर कुड नॉट बिलीव हिज आईज, नरेटर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, दो द न्यूज वॉज ट्रू, हालांकि ये समाचार है वो सही था, और ये जो हैप्पी न्यूज है यही नरेटर के बेटे ने अपने पिता को दी थी। तो यहां पर नरेटर सन करना है आपको, ठीक है, बस यह मिस्टेक रह गई, बाकी आपने इसको आंसर्स को कॉपी में लिख करके लर्न करना है। थैंक यू सो मच।